कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए हिटलर वाले बयान पर निशाना साधा और मल्लिकार्जुन को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम की तुलना हिटलर से करना हैरान करने वाला है। प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर सवाल उठाने पर घिरा। बता दें कि मल्लिकार्जुन ने बीजेपी पर देश में तानाशाही थोपने और हिटलर के कदमों पर चलने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना हिटलर से करना हैरान करने वाला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इंदिरा जी ने हिटलर के अंदाज में सत्ता चलाई। ये वही खड़गे जी हैं जो एक परिवार की इजाजत के बिना एक इंच हिल भी नहीं सकते हैं। पीएम मोदी पर खड़गे ने यह कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, बीजेपी देश में तानाशाही लाना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के साथ वही करना चाहते हैं जो एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के साथ किया था। संविधान खतरे में है और हमें इसे तबाह करने की बीजेपी की कोशिश से लड़ने की जरूरत है। सरदार पटेल की मूर्ति पर बनाए जाने पर पी चिदम्बरम के सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के दिग्गज नेता को आड़े हाथों लिया। प्रसाद ने कहा, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि देश में एयरपोर्ट से लेकर कई शैक्षणिक संस्थाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं और कांग्रेस सरदार पटेल की मूर्ति पर राजनीति कर रही है।